न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। आपको बता दें द्वितीय चित्र भारतीय फिल्म उत्साह अहमदाबाद में होगा, इसका पूरा आयोजन। आइए सुनते हैं कि कौन कौन लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देश सुभाष गई, भारतीय चित्र शादन के सचिव राकेश मित्तल तथा अहमदाबाद में होने वाले चित्र भारतीय फिल्मोत्सव में आयोजन समिति के अध्यक्ष अजीत भाई शाह ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता का पुस्तक के बारे में जानकारी दी है। जिसको बता दें आपको, भारतीय चित्र साधन सिर्फ संस्था ही नहीं बल्कि एक अनुष्ठा है, जिसका उद्देश्य हमारे वर्तमान में आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा मंच तैयार करना है कि जहां पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली माध्यम सिनेमा में जारी है। आपको बता दें इसकी भावना और रचनात्मक सही स्वरूप की अभिव्यक्ता कर रहे फिल्मों में धीरे धीरे भारतीय समाप्त होती जा रही है। चित्र भारतीय का उद्देश्य भारतीय फिल्मों को भारतीय पुनर्स्थापित करना है। आप देख सकते हैं प्राइम न्यूज चैनल का प्रयास है कि भारतीय सिनेमा को संस्कारी बनाया जाए। हमने आपकी फिल्मों में देखा है किस तरीके से भारतीयता उसमें प्रकट होती थी, आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पहले तो सब प्रयास उसी का वही है। चित्र साधना का जो प्रयास है कि चित्र भारती फेस्टिवल किया जाए, उन बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए जो छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, डिजिटल में बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बात ना भूलें कि भारत के अंदर हज़ारों कहानियां और हज़ारों चीज़ें हैं, धरोहर हैं। उस धरोहर को खोजें और उस धरोहर को उस दुनिया को बताएं। खाली बेचने के लिए या भारत में भारतीयों को बताने के लिए या खुश करने के लिए नहीं, अपनी कहानियाँ, अपना स्ट्रेंथ जो हमारा रहा है और है आज, चाहे आप जब संस्कारी की बात करते हैं तो मैं उस संस्कारी क्या मानता हूँ, आज के संदर्भ में संस्कारी क्या है जी। संस्कारी का मतलब ये नहीं कि गुजरा ज़माना आता नहीं दोबारा, ऐसा नहीं है। संस्कारी का मतलब है कि जो हज़ारों साल से जितने भी विवेक लोग थे उन्होंने क्या क्या बातें छोड़ के गए हैं और आज के संदर्भ में वो कितनी सच्ची निकलती है हमारे लिए, उनको लें। आज के संदर्भ की भाषा होनी चाहिए, आज के वक्त का विचार होना चाहिए, आज के विषय होने चाहिए, आज के बच्चों का जो आगे का फ्यूचर है उसके संदर्भ में उसको जोड़कर हम देखें कि एक नई लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस